कई तरीकों से है। थोड़ा मैंने वेट कम कर लिया तो मैं पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गया। बिग बॉस में बहुत टाइम मिला तो रियाज बहुत किया, प्राणायाम बहुत किया, मेडिटेशन किया, तो स्पिरिचुअली भी पहले से अच्छा हो गया, मेंटली पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो ये सब चीज़ें मुझे बिग बॉस के हाउस में जाके मिली हैं, तो मेरे लिए ये एक बोनस पीरियड था और पेड हॉलीडे था। How do you see this change, sir? Post Big Boss, do you think the life of Manu Jirota has been changed? I can see such a little bit difference. The audience very friendly आती थी। Introduction। मेरे लिए बहुत बहुत proud की बात है क्योंकि ये पहला साल है ये Moonlight Film International Film Festival के लिए and अनुप जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि अनुप जी वैसे भी उनको बिग बॉस में वो है लेकिन हमारे लिए तो हमेशा ये सुपरस्टार रहे हैं और हमेशा रहेंगे। ओके अनुप जी, बिग बॉस पर फिर आता हूँ, किसे आपको लगता है कि पोटेंशियल विनर है, वो बिग बॉस जीत सकता है, आपके लिहाज से कौन? मैं होता तो मैं जीत जाता लेकिन अब मुझे लगता है कि रोमिल बहुत चांसेस है, बहुत पका हुआ खिलाड़ी। वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस जाना चाहेंगे? मुझे तो अभी भेज दीजिए, अभी चला जाए। थैंक यू सो मच सर। Mr. Yogesh Lakhani, Chief Managing Director of Bright Outdoor Media. Mr. Yogesh Lakhani of Bright Outdoor Media, an outdoor media promotion company since 1980. Yogesh Lakhani is a name synonymous to a talent powerhouse and one who embodies profound dedication and commitment to his work. Let's have a huge round of applause. And now I would request our other jury members to please come on stage and we will do our bouquet ceremony and we will also be giving a few mementos. Please, Mr. Rahatji, Mr. Papu. सबसे पहले देवशीष को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया इस फिल्म फेस्टिवल को। जोरदार तालियां देवशीष को।
आप मुंबई में जितनी होर्डिंग्स देखते हैं उसकी 90% जो है वो योगेश भाई की। तो योगेश लखानी जी जिस पे हाथ रख दें वो रातों रात स्टार बन जाता है मेरे लिए भी और फ्यूचर में भी। इनको जो भी जरूरत पड़ेगा आउटडोर पब्लिसिटी के जरिए मैं हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में योगेश लगानी सर हैं, इन्होंने ही हमारे होर्डिंग्स लगाए थे पूरी मुंबई में। हमारे क्या ये किसी के भी नहीं छोड़ते, सबके यही लगाते हैं। और मिस्टर अनूप जलोटा सर, मैं अपने आप को बहुत इतने सारे लोग हैं पीछे, आई कैन नॉट सी एनीबॉडी क्लैपिंग प्लीज, दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इट्स द डेब्यू ईयर ऑफ दिस फिल्म फेस्टिवल एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच एन अमेजिंग सच अ सक्सेस। Crossroads. I would like to thank my parents over here who are here. My director, Pooja Singh, for showing this incredible confidence in me and for putting this piece together. Say a few words on behalf of all the awards and all the movies you and your team has won. Hello, so this was my debut film. I directed this short film in Dubai and my other two short films, Khayal and Leap, I had made it in Dubai. Seven short films in Tamil Nadu, so they are doing. If it will be a second. Ninth Film Festival, the jurors. And my film is about connecting. It's about a woman who gets abducted by a psychopath and gets raped, but she comes out of... Ramesh Bhatt from Kannada in एक्चुअली थोड़ा सा इट्स वेरी क्लोज टू होम बिकॉज मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त देवश्री सरगम इस फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर हैं। सो फॉर मी मैं कुछ भी बोलूँगा बहुत ही अच्छा ही बोलूँगा एंड तो देव जो है बहुत ही मेरे दिल के करीब है एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स वंडरफुल टू सी सच अपॉर्चुनिटीज बीइंग क्रिएटेड एंड पीपल लाइक देवशीष आर द रीजन फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज एंड आई जस्ट विश देवशीष ऑल द वेरी बेस्ट फॉर समथिंग लाइक दिस। वो देव ने बोला हुआ था बिल्कुल अच्छे से भाई थोड़ा सा सीधे साधे तरीके से तैयार होकर आना क्योंकि मेरे को फटे हुए कपड़े पहनने के मेरा बड़ा शौक है तो कहता है कि थोड़ा सा यार ढंग के कपड़े पहन के आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार मैं थोड़ा शर्ट पैंट पहन लेता हूँ तुम्हारे लिए। यार एक्टर ही हूँ आज की डेट में लोग मुझे एक्टर ही बुला लेते हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम ग्रेटफुल कि पीपल हैव सीन माय वर्क
underrated, overrated, I don't know. I just know I'm here to work, and I'm very happy that people can see my work and, you know, get a chance to, and I get a chance to do more and more work. So yeah, I'm very happy about that. What changes are there? What changes are there? And what aspects of the movie can be? मुझे ये अवार्ड हमारी एक शॉर्ट फिल्म ड्यू ड्रॉप्स के लिए दिया गया है. फिल्म में मैंने एक लड़की का किरदार निभाया है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो चीज़ें जो हम सब चुनौतियों का सामना करते हैं ना, वो अपनी रोज़मर्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है.